हाउ टू इंटरप्रेट पी वैल्यू, पी वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि इस बात को मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट लेट्स गिव अ ट्राई। आपको पता है कि आप कोई भी किसी भी डिसिप्लिन में काम करते हैं, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज़ हैं, आपके पास क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स है, मेडिकल साइंस है, आपको टी एफ काई जी एनोवा रिग्रेशन इकोनोमेट्रिक्स हर किसी न किसी में ये पी वैल्यू जो है वो कैलकुलेशन में आपके सामने आ जाती है। तो पी वैल्यू है क्या? कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर आपको करके दे रहा है, मैं इसलिए इसमें नहीं जाता, वो आपको आपके स्टैटिस्टिक्स के टीचर्स बताते रहेंगे। तो बेसिकली पी वैल्यू और नल हाइपोथेसिस, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये अस्यूम कर लिया गया है कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, और अब देखना है कि पी वैल्यू कैसे मेजर करती है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डेटा एंड द नल हाइपोथेसिस। यानी कि डेटा जो आपके पास आया है, अस्यूम कर लिया गया कि डेटा जो है अंडर नल हाइपोथेसिस जनरेट हुआ है, और अब वो नल हाइपोथेसिस के अंडर जनरेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो पी वैल्यू से मेजर हो रही है। तो ये एक स्लिपरी कॉन्सेप्ट क्यों है अभी हम देखते हैं। तो बेसिकली हमने अस्यूम कर लिया कि पॉपुलेशन में गॉड फॉर बेड्स ऐसा हो कि जी प्लेसिबो और ट्रीटमेंट ग्रुप में कोई फर्क नहीं है, जिनको आप जो है वो वैक्सीनेशन दे रहे हैं और जिनको वैक्सीनेशन नहीं दे रहे, न्यूट्रल इंजेक्शन यानी कि पानी भरा इंजेक्शन लगा रहे हैं, उन दोनों ग्रुप्स में कोई फर्क नहीं है कोविड को रिस्पॉन्स डिफरेंट करने का। तो अल्टरनेटिव है कि जी जिनको वैक्सीनेशन लगी उनको नहीं होगा, जिनको लगी उनको, जिनको न्यूट्रल लगा उनको ज्यादा चांसेस हैं। तो पी वैल्यू क्या है? H नॉट इज ट्रू, और आपके पास सैंपल डेटा आ गया। अब अगर पी वैल्यू स्मॉल है तो हम ये कहेंगे कि डेटा अंडर नल जनरेट होने के कम चांसेस हैं। तो अगर पी वैल्यू 0.02 है तो इसका मतलब है कि अगर आप 100 सच स्टडीज करते, यानी कि आप 20-20 50-50 के 100 सैंपल्स लेते, तो दो सैंपल्स में ये लगता कि डेटा अंडर नल जनरेट हुआ है, तो ये कम चांसेस हैं, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर नहीं है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर नहीं है। इससे आगे मैं जाके थोड़ा सा फर्दर बात करूंगा। तो अगर आपके पास 2% ऑफ द स्टडीज जो है वो सपोर्ट कर रही हैं डेटा अंडर नल हाइपोथेसिस जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ रेंडम सैंपल एरर, तो पी वैल्यू इज नॉट एन एरर रेट। इट्स इनकरेक्ट टू से कि 2% चांस हैं ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक बाय रिजेक्टिंग एच नॉट। बेसिकली सिंपल सी बात की गई है कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो हाउ प्रोबेबल योर सैंपल डेटा इज, तो हम कह रहे हैं कि दैट इज 2 out of 100। इनकरेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है? दो चीजें। अगर पी वैल्यू 0.2 हो तो आप कहो जी कि 20% चांस है नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट, गलत बात है। पी वैल्यू 0.02 हो कहो ही कि 2% चांसेस हैं ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। करेक्ट क्या है कि जी आपके पास डेटा अंडर नल हाइपोथेसिस जनरेट होने की या उससे ज्यादा वैल्यू एक्सट्रीम आने की 2% जो है स्टडीज या 2% सैंपल्स में ऐसे होगा कि नल हाइपोथेसिस जो है वो डेटा अस्यूम किया जा रहा है कि नल हाइपोथेसिस से जनरेट हुआ है, लेकिन सिर्फ 2% ऑफ द स्टडीज ये सपोर्ट कर रही हैं कि डेटा अंडर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट जो है वो बेसिकली डिफरेंट है और इट्स क्वाइट हायर देन जो ये जो पी वैल्यू होती है। तो वो बेजियन वर्सेस फ्रीक्वेंट स्कूल ऑफ थॉट वो स्टैटिस्टिक्स के लोग देखते रहे,
स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वर्सेस इकोनॉमिक क्लिनिकल प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, तो काइंडली कीप इट इन माइंड, मैं किसी और जगह पे बात करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ जाएं, पी वैल्यू स्मॉल आ जाए, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि आपके रिजल्ट्स रियली रियल सिग्निफिकेंस भी कैरी करते हैं, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी कैरी करते हैं, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी कैरी करते हैं, या आप जिस डिसिप्लिन से हैं। इस पर मैं नेक्स्ट किसी और टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा कि एक स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वर्सेस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।